बहुत पसंदीदा जगह रही है, क्योंकि एक तो ये एक ऐसे जगह पर है जहाँ पर मैं बहुत पास में रहता हूँ, और सेकंड चीज़ बैरल के सारा स्टाफ जो है, जो लोग यहाँ पर काम करने वाले, जो लोग आपके साथ रोज़ यहाँ पर बैरल में रहते हैं, वो बहुत फ्रेंडली है, पूरा एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है। और एज अ म्यूजिशियन सबसे अच्छी बात मुझे बैरल में लगती है वो ये है कि यहाँ का डीजे, यहाँ का म्यूज़िक जो प्ले होता है वो बाकी क्लब से बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक, बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली मैं जो मेरा जो बेसिक फंडा होता है यहाँ पर आने का वो है म्यूज़िक, और म्यूज़िक बहुत कमाल का होता है यहाँ पर। सर ये भी जानना चाहूँगा कि आप इंडियन आइडल के विनर रहे, आज के ज़माने तो कितने सारे रियलिटी शोज, क्या कहना चाहेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कितना फेवरेबल लगता है एक एस्पायरिंग सिंगर के लिए, कितना ज़रूरी है या कितना ज़्यादा फेवर करता है? आई थिंक आज के टाइम में देखिए जो लोग एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो बहुत छोटी जगहों पर रहते हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनके लिए जैसे मैं भी वैसे ही था, तो उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है ये। अगर रियलिटी शो नहीं होता तो शायद कई ऐसे सिंगरों को मौके ही नहीं मिलते, अरिजीत जैसे सिंगर को भी मौका मिलना डिफ़िकल्ट हो जाता अगर रियलिटी शो नहीं होता। सो यू नो मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी देन रही है, क्योंकि हमारे देश में एक्चुअल देखा जाए तो म्यूज़िक के लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है, एंड थैंकफुली यू नो रियलिटी शो ने बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रास्ता खोजा। आपके एल्बम्स भी काफ़ी हिट रहे हैं और आज के दौर में डिजिटल मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं फ्यूचर में या कर चुके हैं जो बताना चाहेंगे आप? मैंने अभी मेरा यूट्यूब पे गाना रिलीज हुआ है दिल फकीरा, और बहुत अच्छा चल रहा है, जस्ट 1 वीक कम्प्लीट होने आया और ऑलमोस्ट 500,000 क्रॉस कर दिया है, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। एंड समवेयर मुझे एक ये भी रियलाइजेशन हो गया है कि अगर आपके पास अच्छा म्यूज़िक है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आज की डेट में, जब हमने शुरू किया था तब बहुत ही कम था, लेकिन आज की डेट में आप अपना म्यूज़िक लोगों के सामने लाने के लिए एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप डाल के यू नो यू कैन बिकम समथिंग एल्स। मैं अभी कम्प्लीटली अपनी म्यूज़िक पे ध्यान दे रहा हूँ, और थैंकफुली यूट्यूब है और यू नो सोशल मीडिया पे आप अपना म्यूज़िक डाल सकते हो। आई एम कंपोजिंग माई सेल्फ, आई एम मेकिंग माई ओन सॉन्ग्स, और होपफुली बहुत जल्दी मैं अपनी खुद की कंपोज की हुई सॉन्ग भी लोगों सामने लाऊंगा। तो वो जो आप गाने की बात कर रहे हैं उसके दो लाइन अगर दिल फकीरा रू बन जारन फिर को तेरी ताल पे साजन बजा चुटकी जो चले नौ टंकी वो मन बसिया हो तेरे मन की दिल फकीरा रू बन जारन फिर को तेरी ताल पे साजन थैंक यू Whereas Barrel is concerned, I really like the whole more close. Shit, man, this is so embarrassing. Okay, fine. So I think this is a really nice place. It is centrally located. It's in Andheri. So great crowd. I love the ambience. And Abhijeet performing here just ups it for all of us. As you can hear, everyone's making noise because they're really excited to watch him perform. And yeah, he is our Indian Idol number one. So really excited to be here, and I am gonna be dancing and having a great time. Yeah. The first time I've been to this place, and it looks pretty fancy, and I like the whole entrance, and even the sound is really really nice. So I'm very happy to be here. And Abhijeet performing for the first time in Barrel. What is about the singer as a singer as a person? I mean Abhijeet. Abhijeet is a very dear friend. We've been working. We work under the same agency, and I've known him for a while now. So that's why I'm here to you know cheer for him, and I'm going to be the loudest scream in the crowd. Yeah. What about your professional life and what are you working on, and what about the digital medium? You know, every aspiring singer is having a platform, YouTube or digital media. How it can be helping to the aspiring singers or you know artists? So, in case you don't know, I was the initial first one of few of the initial people who started out on YouTube. So, I think it's a really cool platform. You don't have to stand in lines for you know judges
to judge you in a reality, like how it happens in reality. It's a very straight to, you know, creator to audience platform, and you just showcase your talent and people see you as who you are, really. So I think it's one of the best medium to showcase what you got. But does that thing help out the person getting your... Of course, it gives you like a worldwide platform. So of course, I think it's the first, most of the initial step, you know, the most basic step you could take to enhance your career. And what's going on professional life, and are you working on any project or I am doing a lot of live shows and also working on, I am a singer-songwriter as well, so I'm just working on my songs, creating my own band. Thank you so much. You guys, that ये बैरल जो है ये मेरे घर जैसा है और मैं यहाँ पे तभी आता हूँ जब मुझे बहुत चिल करने का मन करता है. बट दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं अभिजीत को पहली बार यू नो परफॉर्म करते सुनूंगा. हालांकि मैंने जैम किया है उसके साथ, बहुत कुछ किया है, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं उसके शो में पहली बार उसको लाइव सुनने वाला हूँ. वेरी एक्साइटेड और रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नाइट. देखना चाहता हूँ अभिजीत लाइव क्या करता है. हालांकि बहुत से गाने, बहुत से खूबसूरत गाने उसकी आवाज़ में सुने हैं, बट आई रियली वांट टू सी अभिजीत लाइव क्या करता है. सो वेरी एक्साइटेड फॉर इट. सो बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन सिंगर, सिंगिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ यू नो प्रैक्टिस एज सच. सो व्हाट इज द थिंग व्हिच मेक्स अ सिंगर, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ सिंगर एज सच? मैं यही बोलना चाहूँगा कि चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या कोई भी फील्ड हो, उसका प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो चीज़ को पाने के लिए. बट डेफिनेटली एज अ सिंगर आई थिंक बहुत सारी चीज़ों को परहेज़ करना पड़ता है हमारी लाइफ से. मैं तो नहीं करता परहेज़, बट जो बाकी सिंगर्स हैं उनकी लाइफ से आइसक्रीम, अचार, यू नो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं. एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को बहुत खास, बहुत पसंद होती हैं, उनकी लाइफ से मिसिंग होता है. बट इट्स लाइक अ यू नो लिटिल डिफरेंट प्रोसेस दैन वॉट इट इज़ नॉर्मली. बट आई थिंक अभिजीत को मैं तब से सुन रहा हूँ जब मैं सिंगर, ना मैं सिंगर था ना मैं एक्टर था. इंडियन आइडल 1 बहुत बड़ी चीज़ है. जब पहला एक सिंगिंग रियलिटी शो आया और उसके विनर बन के अभिजीत सावंत बाहर आए, और यू नो इट्स अ बिग थिंग टू डू समथिंग लाइक दिस. एंड ही स्टिल देयर इन दिस इंडस्ट्री, स्टिल सर्वाइविंग एंड डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ. सो बहुत अच्छी बात है. एंड पहली बार आई थिंक वो यू नो बैरल में परफॉर्म कर रहे हैं. सो रियली एक्साइटेड है. इनफैक्ट अभी मैं और अभिजीत वही बात कर रहे थे. इनफैक्ट मैं और अभिजीत शायद एक कलेबरेशन करके कोई गाना साथ में करें, बिकॉज आई नो हिम फॉर गुड 3-4 years और हम लोग ने काम साथ में नहीं किया है, दोस्त बहुत सालों से हैं. बट आई थिंक अभी बात करते, लेट्स सी इफ थिंग्स वर्क आउट टुगेदर रियली वेल. मैं और अभिजीत बहुत जल्दी गाना साथ में करेंगे. सो या होपिंग फॉर द बेस्ट. आई गुड आए उन्होंने इतना अच्छा काम किया इंडस्ट्री में, इतने अच्छे गाने दिए तो, और वो यूथ के लिए तो बड़े इंस्पिरेशन है सबके लिए. तो मुझे लगता है कि आज बहुत मज़ा आने वाला है. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो कौन से गाने गाते हैं, बिकॉज मैं खुद उनको बहुत टाइम बाद सुन रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक USP इज़ दिस ओनली कि जो ये आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं, जो ये सबसे यूनिक चीज़ जो कर रहे हैं यहाँ पे, कि इतने आर्टिस्ट हर डिपार्टमेंट में लेके आ रहे हैं और उन आर्टिस्ट के वजह से इतने लोग आ रहे हैं. और शायद सबसे अच्छा सेलिंग पॉइंट भी यही है कि इनके वजह से इतने लोग आएंगे, वो भी देखते हैं, वो भी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, उनको और मज़ा आता है जगह में आने के बाद. तो मुझे लगता है दे आर डूइंग द बेस्ट राइट नाउ कि इतने लोग आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं और DJs बहुत सारे आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग एंटरटेन करके जा रहे हैं. थिंक व्हाट एल्स. ओके, सो बेसिकली आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय साउथ अमेरिका टूर एंड नाउ मेरे कुछ गाने आने वाले हैं जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो कि मैं अभी बस शूट करने वाला हूँ जल्दी से. और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बाहर निकले और आप लोग मुझे थोड़ा और हेल्प करें इसको प्रमोट करने में आगे की, हमेशा की तरह. थैंक यू. आज मैं इनवाइटेड नहीं हूँ, बट मैं ऐसे ही आ गया हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि अभी ये साउंड परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आ गया क्योंकि मैं उनका बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. बचपन मींस 8-10 साल पहले से, जब भी वो जीते हैं तब मैं चैनल देखता था, पंजाब में होता था, तब से ही मैं उनका दीवाना, उनके सारे गाने सुनता आया हूँ. तो आज मैं देखने आया उनका शो. आपने परफॉर्म किया था, आप अपना एक्सपीरियंस रखे, आपका अनुभव. हाँ, मैंने भी लास्ट 3-4 वीक पहले मैंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे
और ये जगह तो है ही मेरी फेवरेट, बहुत अच्छी जगह है, अनिल भाई की जगह है, तो अच्छा चला रहे हैं। तो हित भाई भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप सब जो मीडिया हैं वो भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हिट है जगह। बैरल प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ एंगेज हैं आप, क्या काम कर रहे हैं? जी देखो अभी गाने आ रहे हैं, टी सीरीज़ के साथ भी आ रहे हैं, जी के साथ भी आ रहे हैं, तो अभी जो मेरा नेक्स्ट गाना है उसका नाम है इंट्रोवर्ट, जो अभी मैंने ये नाम अभी कहीं बताया नहीं है, अब यहाँ पहली बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ, उसका नाम इंट्रोवर्ट है, ये नेक्स्ट मंथ अप्रैल में रिलीज़ हो रहा है। सो आप सबकी मुझे गुड विशेस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि इंट्रोवर्ट को हम बहुत सारा प्यार दें और आगे लेके जाएं, आगे मूवीज़ में भी गाने आने वाले हैं। सो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए कि ऐसे मैं अच्छे अच्छे काम करता रहूँ। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इनफैक्ट वी स्टार्टेड आवर करियर्स फ्रॉम द सेम रियलिटी शो इंडियन आइडल बैक इन 2005। आज इनफैक्ट दो तीन वजह हैं यहाँ पे आने की, अभिजीत तो है ही उसमें से एक वजह है, लेकिन जिनकी ये जगह वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिसने इसको आज सेटअप किया है, इवेंट जिन्होंने मैनेज किए वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो आई एम जस्ट हियर टू सपोर्ट देम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई वाज लाइक एक अच्छी शाम हो रही है, म्यूजिकल इवनिंग थर्सडे इवनिंग, तो क्यों ना जाके बैरल में मनाएं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट, मैं दो तीन बार आया हूँ यहाँ पे एंड इनका चिकन टिक्का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनका दे हैव द मोस्ट अमेजिंग चिकन टिक्का। नेक्स्ट मंथ मेरा सिंगल रिलीज होगा जिसका नाम है कह दो ना, आप सब लोग उसको प्लीज़ बहुत देखिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई इट्स अ सॉन्ग विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसका वीडियो मैंने एक बहुत अच्छा गुड लुकिंग वीडियो शूट किया लंदन में एंड वो गाना कंपोज मैंने किया है एंड उसके लिरिक्स मनोज मुंतशिर जी ने लिखे हुए हैं एंड आई होप आपको वो गाना पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत सावंत सबको पता ही है, इंडियन आइडल रह चुका है पहला विनर और आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस सिंगर ऑफ कोर्स एंड इसके पहले भी अभिजीत काफ़ी टाइम यहाँ पे आते रहता है एंड इसके पहले भी काफ़ी परफॉर्मेंसेज हुए हैं, बट यस अभिजीत हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग एंड प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ ऑन द माइक एंड ही इज़ फैबुलस। Barrel, I've been always coming here and it's a fabulous place and they have different USP all the time and And what's going on professional front, what do you engage in? Me, my work's coming up, I'm working on a web series for now, so it'll be coming in soon. Let's see how it goes. Thank you. Abhijit Sawant is a singer and he's performing first time and how excited is he? So it's really like fun. I'm like main pehli baar aaya hu idhar Barrel mein. So it's really fun and I'm really like amazed to be here. Abhijit Sawant ne puri aag lagayi hui hai andar and yeah. So professional front what are you engaging? Yeah, what? Professional front you are working somewhere? Yeah. I'm working on my album Vamos. It's going to be out. Uska pehla gana Vamos is already out. So it's a Spanish, English and Punjabi song. It's already out and I'm just here for some fun. That's it. Yeah. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke saath apne aap chalti hai. Aur hum kya roshni dalenge uske upar. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं, तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।